हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक्स पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आया हूं खंडेलवाल मोटर्स महुआ के अंदर। ये जो आपका डीलरशिप है और जो धौलपुर से जो जयपुर की तरफ रोड जाता है उसके ऊपर स्थित है आपका, और यहां पे जो गाड़ी है मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है टाटा की योद्धा 2.0। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और साथ में क्या डाउन पेमेंट रहने वाला है और कितना माइलेज आपको एक गाड़ी देने वाली, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों ये जो गाड़ी है आपकी, जो लुक वाइज देखो ना, काफ़ी ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लुक के साथ आपको गाड़ी मिल जाती है और साथ ही साथ देखो दोस्तों इसका जो बोनट एरिया है, काफ़ी बड़ा बोनट एरिया आपको इसमें मिल जाता है। मतलब यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो गाड़ी है काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहने वाली। इसमें बात करूँ इसके पे लोड की तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप लगभग 2 टन के आसपास में पे लोड डाल के लेके जा सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को ओवरलोड के अंदर चलाते हो तब भी यहाँ पे आप गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने सेम गाड़ी को लगभग 6 टन के आसपास लोड ले जाते हुए देखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाकर इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं क्योंकि मैंने उस गाड़ी का कंप्लीट वीडियो बनाया। तो उस पर्सन फ्रंट की साइड से देखिए दोस्तों, ये जो गाड़ी है आप कुछ इस तरह की आपको दिखने वाली, जिसके अंदर यहाँ पे सेंटर के अंदर टाटा का लोगो आपको उसमें मिल जाता है और साथ में जो क्रोम का जो वर्क है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। और साथ में बात करूँ इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स आपको उसमें मिलने वाले हैं साइड इंडिकेटर के साथ में, जो कि काफ़ी बढ़िया लगे। इनका जो थ्रो है ना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और जो हाइट है, मतलब रात की जो विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये जो लाइट है काफ़ी बढ़िया रहने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बम्पर की। इसके अंदर आपको मेटल का बना हुआ 3 पीस बम्पर यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो चीज़ें ट्रक्स के अंदर आती है वो चीज़ यहाँ पे इस पिकअप ट्रक के अंदर आपको मिलने वाली, क्योंकि 3 पीस बम्पर का फायदा ये होता है कि अगर साइड का पार्ट आपका डैमेज होता है तो आपको वही चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। और इसके अंदर साथ में देखोगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और अगर आपको आफ्टर मार्केट अगर फॉग लैंप लगवाना है तो वो यहाँ से आप इसमें लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ इस ग्रिल्स की तो यहाँ पे आपको जो ग्रिल्स देखोगे तो काफ़ी बढ़िया ग्रिल्स आपको मिल जाती है, जो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो इंजन की जो ठंडे जो फ्रेश एयर है वो यहाँ से इंटेक होती है, जिससे क्या होता है आपका जो इंजन है वो कहीं ना कहीं आपका ठंडा रहता है और जहाँ से आपको जो फायदा है वो माइलेज के रूप में आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की साइड तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से प्रोटेक्शन गार्ड यहाँ पे आपको इसके अंदर लगाया गया, जहाँ पे अगर कुछ भी डैमेज होने के चांस वगैरह आपको नहीं मिलने वाला, नीचे की साइड आपको प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह भी इसके अंदर मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ड्राइवर साइड प्रोफाइल की। ड्राइवर साइड से प्रोफाइल देखोगे तो आपको जो गाड़ी है कुछ इस तरह की आपको दिखने वाली है, जिसके अंदर आपको डोर्स के ऊपर देखोगे तो योद्धा 2.0 का स्टिकर आपको मिलने वाला है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे देखोगे दोस्तों स्टिकर है जो आपका इंडिकेटर है वो इसके अंदर प्लेस किया गया है, मतलब व्हाइट और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों इसके टायर साइज़ की, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको 215/75 R16 इंच के टायर यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलने वाले। साथ की बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप का फ्रंट में सस्पेंशन आपको दिया जाता है और यहाँ पे आपको जो शोक ऑब्जर्वर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब फ्रंट की साइड काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मजबूत सस्पेंशन यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है और काफ़ी बड़े टायर यानी 16 इंच का टायर मिल जाता है। बात करो इसके ब्रेक्स की तो फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और रियर के अंदर यह गाड़ी है ड्रम ब्रेक के साथ आपको आने वाली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रियर की सस्पेंशन की। रियर के अंदर जो सस्पेंशन आपका सेम जो सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप का सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ी और काफ़ी मजबूत लीफ स्प्रिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो जो कि आप देख सकते हो। अगर आप इसमें अगर कुछ बढ़वाना चाहते हो तो वो भी आप ओवरलोड के अंदर चलाना चाहते हो तो यहाँ इसमें आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंदर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको जो शोक ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर ना साइड अंडर एंड प्रोटेक्शन गार्ड भी इसमें लगाया गया, क्योंकि टायर बड़े हैं तो यहाँ पे आपको जो साइड अंडर एंड प्रोटेक्शन गार्ड है CMVR रूल की तरफ आप इसमें लगाना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे आपको उसको मिल जाता है। सेफ्टी की लिहाज से देखा तो एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लोड बॉडी की। इसकी जो लोड बॉडी है 8 फुट 7 इंच की लंबाई के साथ आती है। चौड़ाई की बात करूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर 6 फीट की चौड़ाई यहाँ पे आपको से मिल जाती है। हाइट देख सकते हैं लगभग आपको 1 से 1.5 फीट की हाइट आपको मिल जाती है। और साथ में जो पे लोड की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आप 2000 kg तक का पे लोड यहाँ पे इसमें डाल के लेके जा सकते हो। अगर आप ओवरलोड में भी चलाते हो तब भी यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अगर आप इस गाड़ी के अंदर लूज मटेरियल वगैरह कभी ले जाते हो तो यहाँ से क्या होता है कि साइड के अंदर जो हुक्स वगैरह वो इसके अंदर प्लेस किए गए हैं, ताकि आप जो तिरपाल वगैरह है रस्सी वगैरह है वो आप आसानी से बांध सकते हो। बात करो इसके बैक साइड के लुक्स की तो यहाँ पे जो बैक साइड के अंदर टाटा का जो बैजिंग है डाले के अंदर इसको इम्बोज की हुई है और यहाँ पे आपका योद्धा 2.0 की यहाँ पे आपको जो बैजिंग आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बम स्टॉपर है वो इसके अंदर मिल जाते हैं। ये क्या होता है कि आपका डाला जब खोलते हैं तो आपका जो डाला डैमेज होने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पे इसके अंदर लगाए गए। इसके लिए दोस्तों रियर के साइड देखोगे जो हेलोजन बेस्ड यहाँ पे टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं और रियर अंडर रन प्रोटेक्शन गार्ड यहाँ पे आपको रियर के साइड में लगाया गया। दोस्तों इसके स्पेयर व्हील की तो यहाँ पे जो स्टेपन
अपनी है, पीछे की साइड इसके अंदर प्लेस की गई है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ से आप इस आसानी से इसको खोल सकते हैं, कोई ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होने वाले नहीं, क्योंकि पीछे की साइड आपको एक बोल्ट खोलना है और जो स्टेपनी है आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों इसकी को ड्राइवर साइड से। को ड्राइवर साइड की लुक्स की बात करूँ, यहाँ पर जो ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 52 लीटर यानी 52 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला, और इधर भी आपको साइड अंडर एंड प्रोटेक्शन गार्ड इसके अंदर दिया हुआ है। आगे की साइड देखोगे दोस्तों यहाँ पे योद्धा 2.0 की बैजिंग साइड इंडिकेटर है, काफ़ी बढ़िया लगने वाली। यहाँ पे आपको हैंडल बार आपको मिल जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे मेटल का बना हुआ फुट स्टेप इसके अंदर दिया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की साइड। अंदर की साइड जाने से पहले आपको दिखाता हूँ उसकी की कुछ इस तरह की आपको रहने वाले, जिसके अंदर आपका टाटा का लोगो है जो कि क्रोम के साथ है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे जो हैंडल बार है देख सकते हो, यहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और अंदर जाने के बाद देखोगे जो एंट्री और एग्जिट है ना वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि इसके गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेसियस केबिन आपको इसके अंदर दिया जाता है, और यहाँ पे आप आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हो। बात करो इसके डोर्स के फीचर्स की तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अंदर की साइड से लॉक वगैरह करना हो, ओपन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास के लिए रेगुलेटर है, यहाँ पे आपका बोतल होल्डर, और साथ में आपको मैगजीन होल्डर इसके अंदर दिया गया है। दिखने में काफ़ी बढ़िया सा लगता है, आपको ऐसा नहीं कि बोरिंग सा फील नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर जो सॉफ्ट टच का आपको जो फील है वो यहाँ पर आपको इसके अंदर रहने वाला। अब चलते हैं अंदर की साइड, बात करूँ इसकी सीट की तो यहाँ पे इस गाड़ी की जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसके देखो जो जैसे आपको जो कैप्टन सीट आती है ना उस तरह की सीट यहाँ पे इसके अंदर प्लेस की गई है, जिसकी कुशनिंग देखो काफ़ी बढ़िया आपको इसके अंदर मिलने वाली है। साथ के साथ यहाँ पे आपको साइड सपोर्ट है, काफ़ी बढ़िया थाई सपोर्ट आपको मिल जाता है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको इसके अंदर लगाया गया, और सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मैकेनिकल टाइप के पार्किंग लीवर इसके अंदर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर, बात करते हैं दोस्तों इसके स्टेयरिंग व्हील की। इस गाड़ी के अंदर आपको फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें मिलने वाला है, साथ में यहाँ पे आपको टाटा का लोगो हॉर्न मिल जाएगा, और पावर स्टेयरिंग के साथ आपको एक गाड़ी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जैसे कद काठी उस हिसाब से इस कार्स को एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो, एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग मिल जाता है। बात करूँ उसके क्लस्टर मीटर की तो काफ़ी सुंदर सा क्लस्टर मीटर आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। गाड़ी के अंदर कितना डीजल है, कितना आपका टेम्परेचर है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली, गाड़ी कितना एवरेज चली, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इसमें निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स के लिए यहाँ पे आपको चार वेंट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, एक आपको कॉर्नर के अंदर, दो यहाँ पे सेंटर के अंदर, और एक यहाँ पे आगे की साइड इसके अंदर मिलने वाला। इसके अलावा दोस्तों अगर गाने सुनने का शौक है तो यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो हजार लैंप्स भी है वो इसके अंदर दिया जाता है। नीचे साइड यहाँ ब्लोअर के कंट्रोल्स है, और यहाँ पे आपका यूएसबी चार्जर यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बात करूँ इसके गियरबॉक्स की तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको GB76 गियरबॉक्स आता है, जो कि 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स साथ आपको मिलने वाला है। इसके अंदर जो गियरबॉक्स है लगाना काफी ईजी रहता है, आराम से इसमें गियर वगैरह शिफ्ट आप आसानी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बैटरी कट ऑफ स्विच है, मतलब यहाँ पे आपको पीछे साइड से घुमाने की जरूरत नहीं, बस बटन दबाना है बैटरी आपकी जो बैटरी है कट ऑफ हो जाती है। इधर साइड आपको डमी स्विच है, और यहाँ पे आपको रीजनरेशन का स्विच मिल जाता है, साथ ही इको का स्विच और हेडलाइट लेवर यहाँ पे आपको इसके अंदर दिया गया। यहाँ से आपको जो वाइपर से लाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, और इधर साइड देखो यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल के अंदर दिए गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी पूंजी है, आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हो तो यहाँ से आप इसमें रख सकते हो। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको काफ़ी थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसके अंदर आरवी में इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिंगल सनवाइजर इसके अंदर दिया गया, और ऊपर की साइड यहाँ पे लाइट्स है, और दूसरी साइड देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो हैंडल बार है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब काफ़ी स्पेसियस केबिन। यहाँ पे आगे साइड देखो तो काफ़ी बढ़िया आपको लेग रूम मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया मतलब हेडरूम आपको इसके अंदर मिल जाता है, मतलब गाड़ी के अंदर आप लंबे रोड पर भी चलाते हो तब भी यहाँ पे इस गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर के अलावा ना दो लोग यहाँ पे आप आसानी से बैठ सकते हो, मतलब आरटीओ की बात करो तो D+1D की सेटिंग कैपेसिटी के साथ आपको ये गाड़ी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पावर हाउस यानी इंजन। इसके अंदर जो इंजन है टाटा का 2.2 लीटर इंजन आता है, जो कि 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है आपका 3700 RPM के ऊपर, और टॉर्क की बात करो तो 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1000 से लेकर 2200 RPM के ऊपर। इसके अंदर जो गियरबॉक्स है आपका 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स साथ आपको गियरबॉक्स मिल जाता है, और इंजन की जो प्लेसमेंट है ना वो काफ़ी बढ़िया रखी गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी वो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डीजल फिल्टर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको एयर निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको दबाना है, दबाने से आपकी जो एयर है वो आपकी आसानी से निकलने वाली। कंप्लीट लुक चेकआउट कर सकते हैं इस इंजन का। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके जीवडब्ल्यू। इस गाड़ी के अंदर आपको 3840 kg की जीवडब्ल्यू के साथ आती है, जिसके अंदर 2000 kg तक का पेलोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब बात आती है इसके माइलेज की। इस गाड़ी से आप रेटेड लोड के अंदर आप 14 से 15 तक का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों अगर ओवरलोड में चलाते हैं तब भी इस गाड़ी से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको टाटा का 2.2 लीटर पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया गया। अब बात आती है दोस्तों इसकी प्राइस की। इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस की बात करूँ लगभग आपको 12,30,000 के आसपास की प्राइस रहने वाली। ज़्यादा कन्फर्मेशन जो नीचे जो नंबर दिए गए उस पर भी आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी वो बताने की कोशिश करी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।